भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब ने एक डिबेट के लिए चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो भी आरोप लगा रही है वो सारे आरोप गलत हैं और इसके ऊपर वो चुनौती देते हैं कि कोई भी आ जाए उसके साथ वो डिबेट करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से रेडी है, मैं पूरी तरह से मेयर साहब आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप जगह बताएं, आप टाइम बताएं, कहां आना है आप ये बताएं, आपसे डिबेट करेंगे, एमसीडी के मुद्दों के ऊपर डिबेट करेंगे, आपसे डिबेट करेंगे कि कैसे 15 साल के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज है एमसीडी के और आज कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम आपसे डिबेट करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है और दिल्ली इतनी गंदी हो गई, किस तरह से आज दिल्ली देश में सबसे नीचे स्थान पे है गंदगी के उस पे और खुद ये मोदी जी के सर्वे में आया है। हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपसे डिबेट करेंगे कि किस तरह से आज दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ करते हैं। हम आपसे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है पूरे एमसीडी के अंदर, आज एमसीडी कंगाली की स्थिति पे चली गई है। इन सारी मुद्दों के ऊपर आपसे डिबेट करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में डिबेट बहुत अच्छी चीज है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने डिबेट के लिए कहा है। अब मैं आशा करता हूं कि आप भागेंगे नहीं, आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। आप मुझे समय बताएं, आप मुझे जगह बताएं, मैं आपके बीच में आऊंगा, आपके साथ बैठ के चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, इन सारे मुद्दों के ऊपर डिबेट करेंगे।